जिथे थोनू कटे हो दिखाओगे। हाँ जी मैं तो इतने निकल के जा रही थी तब कुत्ते ने करता से ये करता है ये। से जा रहे थे कार के बीच में चुप्पे बैठा हुआ था फिर आके मेरे पैर पकड़ लिया ना वल्लो छड़े गया सीगा ते फिर तुसी आवाज नहीं चक्की सी उन्होंने रोके नहीं ऐसी बड़ी बड़ी क्या कॉर्पोरेशन वाले नु और वो ले जाते ने फिर छड़ जाते मेरी डॉटर ला नु कटिया सी वो अपनी गड्डी चो निकल के शाम नु आ रहे ने और नाल दी गड्डी दे नीचे दी पता नहीं कितों कुत्ता निकल आया और बहुत बुरी तरह कटिया उन्हें इंजेक्शन भी लगवाए तीन चार कुत्ते पर एक कट गए। मुझे पता नहीं लगा एकदम से कार के नीचे से आया और उसने अटैक कर दिया। वहां पर जा रही थी सीधा कार के नीचे बैठा था एकदम आके पीछे से काट दिया। जानवर नू जदों तक तुसी छेड़ो ना वो कुछ नहीं कहंदे थोड़े वल्लो कुछ कह नहीं है वो कार दे थल्ले बैठे होंदे ने आराम नाल जिस तरह बाहर निकलो अटैक हो जाए। एंड यू कहते हैं जी आप उनको 5 रुपए का बिस्कुट खिलाया करो अब इसका मतलब हम कुत्तों को बिस्कुट भी खिलाएं और कटवाएं भी साथ में। लो ये 5,000, 10,000, 15,000 पे खर्च हो चुके हैं। मेड सर्वेंट्स हैं उनको काट रहे हैं, मालिक हैं उनको काट रहे हैं, ड्राइवर्स को काट रहे हैं, बच्चों को काट रहे हैं, डॉग जितने भी हैं आपको कारों को नीचे छुपे रहते हैं एक सडनली अटैक करते हैं। इमीडिएट उसको यहाँ से हटा दिया जाए किसी तरीके से किसी समय आके बिना पूछताछ के कहीं से भी इसको हटा के नैप करें इसको किसी तरीके से और इसको यहाँ से हटा दिया जाए। सत श्री अकाल तुसीं देख रहे हो द सिटी हेडलाइन ते मैं नेहा मलिक। अज असीं तुहानूं लै के पुच्छी आ डुगरी विच जिथे कि एक कारपोरेशन वालों जड़े आ कुत्ते छड्डे जांदे आ ते लोकां नूं उन्हां वालों जड़ी आ बहुत ज़्यादा परेशानी दित्ती जा रही है ते कईआं नूं उन्हां ने कट्टिया भी होया है। इस तरीके नाल लोकां नूं जिहड़ा आ घरों बाहर निकलना जिहड़ा उन्हां दा औखा हो गया है कि उह घरों बाहर भी नहीं जा सकते। साडे नाल काफ़ी लोग मौजूद ने आपां उन्हां नाल गलबात करदे आ ते पुछदे आ उन्हां नूं किन्नां नूं किन्ना किन्ना औखा हो रिहा। साडे नाल मैडम मौजूद ने आपां उन्हां नाल गलबात करांगे। ये काट लिया था दर्द भी बहुत हो रही थी और टीका भी लगवाए हैं 3-5 टीके। आपको जब यहाँ पे काटा था आप कैसे आ रहे थे और आपने उस कुत्ते को छेड़ा? मैं ऐसे जा रहे थे कार के बीच में चुप्पे बैठा हुआ था फिर आके मेरे पैर पकड़ लिया। जी भी कैसे थोड़ी दोबारा दिखाओगे कि कुत्ते ने किस तरीके नाल कटे हुए? मैडम जब जिथे थोनू कटे हुए दिखाओगे। हाँ जी मैं तो इतने निकल के जा रही थी तब कुत्ते ने करता से ये करता है ये। ये तो मेरे को बहुत मुश्किल हो रही है चलने फिरने में भी। देख सकते हो किन्ने बुरे तरीके नाल कटे हुए सी। जे थोड़ा जे थल्ले डगा देंदे ते इन्हां नूं काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी पै सकदी सी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਰਾਤ ਕੋ ਮੈਂ 8 ਵਜੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ ਕਿਸ ਕੰਮ ਤੇ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਕਦਮ ਸੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਦੌੜਾ ਦੌੜਾ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਮੁਝੇ ਗਿਰਾ ਦਿਆ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸਕੋ ਰੋਕ ਦਿਆ ਇਤਨੀ ਮੈਂ ਬਚ ਤੋ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਬੈਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਹੋ ਗਈ ਥੀ ਜੀ ਤੋ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਮੁਝੇ ਬੈਡ ਰੈਸਟ ਕੇ ਲੀਏ ਬਤਾ ਦਿਆ ਥਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ तो ये रिपोर्ट्स हैं उसकी। जो छोटे छोटे बच्ची हैं इसके इसकी स्टडी खराब हो गई एग्जाम के लिए इसकी तैयारी भी नहीं करवा पाई मैं। मेरी डॉटर लानू कटिया सी वो अपनी गड्डी चो निकल के शाम नू आ रहे ने और नाल दी गड्डी दे नीचे दी पता नहीं कितों कुत्ता निकल आया और बहुत बुरी तरह कटिया उन्हें इंजेक्शन भी लगवाए और मेडिसिन भी ली। कुत्ते मैम किन्ने हैं? एक एक कुत्ता है तो काफी ज्यादा गए। 3 कुत्ते हैं, 3-4 कुत्ते हैं पर एक कट गए, एक बहुत गए। जो उन्हां वल्लों छड्डे गया सीगा ते फिर तुसी आवाज नहीं चक्की सी उन्हां नूं रोकिया नहीं सीगा? नहीं ऐसी बड़ी बड़ी क्या कॉर्पोरेशन वाले नूं और वो ले जांदे ने फिर छड़ जांदे। मैम थोनू भी कट्टे है? हाँ जी हाँ मैं जा रही थी अपनी डॉटर को ट्यूशन छोड़ने के लिए तो मीनवाइल मुझे पता नहीं लगा एकदम से कार के नीचे से आया और उसने अटैक कर दिया तो मुझे भी 5 इंजेक्शन ही लगे हैं तो एकदम से पता नहीं चलता होते वो कार के नीचे ही हैं। कोई रीज़न नहीं है, कोई उनको छेड़ता नहीं है बुलाता नहीं है, इमीडिएटली वो अटैक कर देते हैं और बस फिर छोड़ते भी नहीं है कितनी देर तक तो बहुत ज़्यादा बाइट करते हैं।
मतलब कहने का मतलब ये करो बाहर निकलना औखा हो रहा है जेड़े गल की जाए कलोनी की कलोनी विच डंडे ले लैके जो घरों बाहर निकलना पै रहा है। हाँ जी मैम थोनू कितने कटे मैम मैं वॉक कर रही थी 9:30 रात को भी वहाँ पर जा रही थी सीधा कार के नीचे बैठा था एकदम आके पीछे से काट दिया और इतनी मैं चिल्लाई बाहर से वहाँ से लोग आ गए तो मैं जल्दी से घर आई और फिर डॉक्टर के पास जाके इंजेक्शन लगवाए मेडिसिन ली बस वो चल रही है अभी तक। ये बहुत मुश्किल हो रही है हमें हम सबको आप प्लीज़ इसका कोऑपरेशन में थोड़ा सा करें तो हाँ सब ठीक हो जाए। जी बिल्कुल परमानेंटली हटवा दें इनको ना तब फायदा होगा ना ऐसे तो पूरी रोड प्रॉब्लम पे है बच्चे भी दुखी हैं हम लोग सैर भी नहीं कर पाते कोई सामान लेने जाना है तो हम लोग जा ही नहीं पाते डंडी ले लेके जाए कहाँ डंडी ले लेके घूमे रोड में कोई ऐसा थोड़ी औरतों के लिए कि एक डंडी साथ में हो तो अब घर से निकले जी बिल्कुल ये तो मुश्किल है। कहते ने जानवर नु जदों तक तुसी छेड़ो ना वो कुछ नहीं कहते थोड़े वालों कुछ कह नहीं है वो कार दे थल्ले बैठे होंदे ने आराम नाल जिस तरह बाहर निकलो अटैक हो जाता है वो तो लेडी औरत जाएगी कल्ले की करेगी वो तो कुछ नहीं कर सकती है कि नहीं दो चार बंदे होने तो क्योर हो सकता है ना। बहुत अफसोस की बात है इन स्पाइट ऑफ कंप्लेनिंग स्टरलाइजिंग डिपार्टमेंट वो कह रहे थे जी आप राइटिंग में दो जी। मैंने कहा राइटिंग में आवाज़ क्या जरूरत है आपको जब हमारे मोहल्ले के लोग सोसाइटी के लोग आपको कंप्लेंट कर रहे हैं ये हमारी आवाज़ है इसकी लिखने की आपको जरूरत नहीं है आप इस पर अवलंब कार्रवाई करो परंतु वो लोग नहीं सुने। तो सवाल ये है कि दिस डॉग्स जो हमारे यहाँ है इसमें दो डॉग्स हमारे परमानेंट नहीं यहाँ के दे हैव बीन ड्रॉट बाई सम आउटसाइडर्स हियर और देखिए एनजीओ वाले आए एनजीओ कहते हैं जी आप उनको 5 रुपए का बिस्कुट खिलाया करो अब इसका मतलब हम कुत्तों को बिस्कुट भी खिलाएं और कटवाएं भी साथ में ये कैसे हो सकता है इस अनजस्टिस द डॉग इज मैड डेफिनेटली उसको खिलाने के बावजूद भी वो काट रहा है डैट मीन्स डॉग इज नॉट इन अ परमानेंट स्टेज ये रेगुलर फिनोमा है आपके सामने सारे सोसाइटी वाले यहाँ पे हैं आपने देख लिया आप इस हम्बल रिक्वेस्ट इसको आप प्रिवेंट कराएं किसी तरह भी नॉलेज एंड कॉरपोरेशन को ये डॉग्स को अविलंब यहाँ से हटा दिया जाए जो भी करना ये उनका डिपार्टमेंट का काम है उन्होंने नहीं किया तब हमने आपको रिक्वेस्ट किया एटलीस्ट मीडिया हैं आपके माध्यम से कुछ हो सकता है यही कृपा करके आप देखें डॉग्स को अविलंब यहाँ हटाना है बिकॉज इट टोटली मैड। सर प्रशासन तो की अपील कर दे प्रशासन तो ये अपील कर रहा हूँ आपसे भी कह रहा हूँ आप भी प्रशासन है आप मीडिया है आपका तो फर्ज हाईलाइट करना इमीडिएट उसको यहाँ से हटा दिया जाए किसी तरीके से किसी समय आके बिना पूछताछ के कहीं से भी इसको हटा के नैप करें इसको किसी तरीके से और इसको यहाँ से हटा दिया जाए क्योंकि नहीं तो और केसेस बढ़ेंगे लोग ये 5,000, 10,000, 15,000 पे खर्च हो चुके हैं मेड सर्वेंट्स हैं उनको काट रहे हैं मालिक हैं उनको काट रहे हैं ड्राइवर्स को काट रहे हैं बच्चों को काट रहे हैं डॉग जितने भी हैं आपको कारों को नीचे छुपे रहते हैं एक सडनली अटैक करते हैं यही है कॉरपोरेशन हो डीसी ऑफिस हो कोई हो गवर्नमेंट का या आप सरकार हो ये हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे आपके माध्यम से ये इनको जल्द से जल्द हटाया जाए। दिस एड्रेस है अर्बन विहार फेज 1 डुगरी जवद्दी टकसाल ऑपोजिट धवन प्रॉपर्टी ये लेना ये हमारे सोसाइटी के लोग हैं जो आपके सामने खड़े हैं जिनकी शिकायतें हैं आपने सुनी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कृपा करके इसको रेगुलर आप चलाएं सो डैट प्रशासन की नज़र में आ जाए। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੁੱਤੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਖੇਡਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਖੇਡਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਮੈਂ ਨੇਹਾ ਮਲਿਕ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ।